नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की और लेखपाल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं बीएड से। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है बीएड वर्सेस बीटीसी की। चूंकि राजस्थान में बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और ये छात्र राहत पाने के लिए चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश में, बहुत सारे राज्यों में भी बीएड और बीटीसी को लेकर के विवाद है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ सूचना मिले, लेकिन आज वही हुआ जो बात चर्चा में थी और फिर से एक डेट मिल गई है। अगली जो डेट है वो 24 नवंबर लगाई गई है, 24 नवंबर। और इसी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिसकी वजह से जो टीईटी की मार्कशीट है वो उत्तर प्रदेश में रोक दी गई है बीएड के छात्रों को। बीएड या ये कहें कि बीएड के छात्रों के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि वो प्राथमिक में रहेंगे या नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही होगा। हाँ, ये जरूर है कि सुनवाई लगभग समाप्त हो चुकी है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ज़्यादा एक या सुनवाई में ही बीएड वालों के पक्ष में या बीटीसी वालों के पक्ष में, जिसकी पक्ष में है, फैसला आ जाएगा और उसके बाद में सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वैसे बहुत सारा जो केस है बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक नंबर का मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें 1,000 विद्यार्थी पास हुए थे, हाईकोर्ट में सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा समय नहीं लगा और एक या दो सुनवाई में ही वो विद्यार्थियों को राहत दे दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा समय इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पक्ष बहुत ज्यादा थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटीई को भी पार्टी बनाया गया था, कुछ राज्यों को भी पार्टी बनाई गई थी और एक विद्यार्थियों का दल था बीएड के जो छात्र थे, तो बहुत सारे लोग थे, सबको सुनना था, इसकी वजह से थोड़ा सा समय लग गया है। खैर, जो भी अपडेट्स होगी 24 नवंबर को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। और अब हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC की भर्ती लेखपाल। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम पर जवाब तलब और प्रश्न संख्या बुकलेट सीरीज बी प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है और इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, आप लोग इसे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो ये प्रश्न जो विवादित, अगर बुकलेट सीरीज बी की बात करें तो ये बुकलेट सीरीज बी में इसको 86 नंबर पर दिखाया गया है। आयोग ने इसका माना है उत्तर ए और विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें इनमें से कोई नहीं वाला सही होगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है जो इंग्लिश में दिया हुआ है। और विद्यार्थियों का कहना, क्या इससे परिणाम में और देरी लगेगी, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने समाचार पत्र को देखा हो तो कहीं भी नहीं लिखा है कि भर्ती पर रोक रहेगी, यहाँ पर केवल ये लिखा है कि परिणाम अगर जारी होगा तो परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉमन नंबर दिया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। भर्ती पर कहीं भी कोई भी स्टे या रोक नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, आपका परिणाम जो है वो अवश्य आएगा। हालाँकि परिणाम इससे, ये जो बात है प्रश्न वाली, ये तो बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा जो मामला है वो भ्रष्टाचार का जरूर है। क्योंकि एसटीएफ ने अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी है और ये देखना कि शासन उस पर क्या निर्णय लेता है, ये एक बड़ा मामला है जो सबको चौंका सकता है। तो ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।